नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में तिलहर विधानसभा के भाजपा के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग व दुकानों की कुछ दिन पूर्व राजस्व विभाग टीम ने मौके पर जाकर नाप जोख की थी, तो एक शौचालय व भवन का कुछ हिस्सा अवैध मिला था। गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे 2 JCB के साथ SDM तिलहर हिमांशु उपाध्याय, SP देहात संजीव वाजपेयी व पुलिस बल मौके पर पहुंची। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा छोड़कर सपा में आने वाले तिलहर से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की मुसीबत बढ़ गई है। गुरुवार को निगोही में उनकी संपत्ति पर बने अवैध निर्माण को JCB ने गिरा दिया। इस दौरान SDM, SP देहात के साथ ही कई थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। पूर्व विधायक ने इसे बदले की कार्यवाही कहा है। दरअसल 2017 में भाजपा के टिकट से तिलहर विधानसभा से जीतने वाले रोशन लाल वर्मा मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चुनाव से ठीक पहले सपा में आ गए थे। उन्होंने सपा के टिकट पर तिलहर विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा की सलोना कुशवाहा से हार गए थे। विधायक द्वारा निगोही थाने के सामने अवैध निर्माण की शिकायत कुछ दिन पहले प्रशासन को मिली थी। शिकायत मिलने पर जब राजस्व विभाग ने मौके पर जाकर नापजोक की, तो एक शौचालय व भवन का कुछ हिस्सा अवैध मिला था। गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे 2 JCB के साथ SDM तिलहर हिमांशु उपाध्याय, SP देहात संजीव वाजपेयी व पुलिस बल मौके पर पहुंची। JCB से अवैध निर्माण ढहाना शुरू कर दिया। तिलहर तहसीलदार तृप्ति गुप्ता ने बताया कि मकान के सामने की इंटरलॉकिंग, एक शौचालय और मकान के आगे का कुछ हिस्सा अवैध मिला है। अवैध हिस्सा ही तोड़ा जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने बताया कि उनके बेटे विनोद वर्मा ने 2010 में ये जगह खरीदी थी। उसके निधन के बाद बहू रुचि वर्मा के नाम पर जमीन आ गई। 4 मंजिला इमारत में बहू का परिवार रहता है। शेष जगह को उसने किराए पर दिया हुआ है। यही उसकी बहू की रोजी रोटी का जरिया है। प्रशासन बदले की कार्यवाही कर रहा है। तो ये कार्रवाई की गई इंक्रोचमेंट की, किस कितना अवैध स्थल पाया गया और किस तरीके की कार्रवाई? प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। एक सामने बिल्डिंग बनी है जो साईं हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, इसका कुछ लैंड अनथराइज था, अनथराइज निर्माण हुआ था। इस पर काफ़ी समय से थाने के यूज़ का था, जमीन था। इसको अनधिकृत पाते हुए प्रशासन ने इसके डेमोलिशन की कार्रवाई की है। यहाँ पर पुलिस पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आगे भी कोई कार्रवाई और भी आगे होनी है? इस प्रकार की कोई भी अवैध अतिक्रमण कहीं पर चिन्हित किया जाता है प्रशासन के द्वारा, तो उसके डेमोलिशन में सेव किया जाएगा। R9 भारत के लिए शाहजहांपुर से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।